हेलो दोस्तों, तो आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर फोर का एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको भर के दिखाएंगे डीपली, क्योंकि मुझे भी भरना है अपना खुद। तो कहाँ पे गलती होता है नहीं होता है ये सभी मैं बताऊंगा, और ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉर्म भर चुके हैं और जो नहीं भरे हैं। जो नहीं भरे हैं वो इस वीडियो को देख करके तो भर लेंगे, और जो भर चुके हैं उसको ये पता चलेगा कि क्या मैंने अपना फॉर्म सही भरा है, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, फिर पैसा भी आपको फालतू चला जाएगा। ठीक है, तो अभी 17 तारीख तक डेट है, तब तक आप लोग क्या करें देख लें कि क्या मेरा, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था ना कि जो स्टूडेंट्स लोग भरे थे उसका कुछ लोगों का रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये देखना कि क्या आपने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है सो, और जो नहीं भरा है उस वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, और आप अपना मोबाइल से बिल्कुल अपने मोबाइल से, क्योंकि मैं भी अपना मोबाइल से ही भरने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल से भर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा था, ये आया कहाँ से? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कहाँ से आएगा तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, अगर आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अगर आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते तो मैं आपको सिंपल से आइडिया बताता हूँ। शुरुआत से सबसे पहले आपको चले जाना अपने मोबाइल के गूगल में। ठीक है, मोबाइल के गूगल में जाना है आपको और सर्च करना है VBU। सबसे पहले आपको मोबाइल के गूगल में जाना है और सर्च करना है VBU। ठीक है, VBU सर्च करना है आपको, और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको नीचे आते हुए जाना है। ठीक है, यानी कि नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे दिख रहा होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास एक इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आपको फिर से नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, नीचे चलते हुए जाना है, और यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, एक है पहला यूनिवर्सिटी एडमिन, दूसरा है एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड, तो दूसरा पर ही आपको क्लिक करना है, एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड पे। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपके पास फिर से दो प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, रेड कलर से व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, एक एडमिट कार्ड और एक क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो चूंकि मुझे एडमिट कार्ड के लिए नहीं बल्कि एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरना है, इसलिए सेकंड नंबर क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन क्लिक पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्या करना है आपको भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर नेम और आपको क्या करना है पासपोर्ट डालना है। ठीक है, यूजर नेम एंड पासपोर्ट आप लोगों को डालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको डाल के बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यूजर नेम और पासपोर्ट आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम डाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे डालने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों को भी क्या करना है, यूजर नेम डालना है। मैंने अपना यूजर नेम डाल लिया, उसके बाद आपको देख रहा होगा यूजर नेम और पासवर्ड के नीचे यहाँ पे लॉगिन का बटन है। ठीक है, आपको लॉगिन के बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, मेरा फोटो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऑलरेडी भरा हुआ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले बार भरे होंगे। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा भरा हुआ। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेड कलर से। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म रेड कलर पर आप लोग क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर से आपको नीचे भी जाना है, और यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, एग्जामिनेशन फॉर UG कोर्सेज, उसका PG सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, उसका अदर्स कोर्सेज एग्जामिनेशन फॉर्म। आपको फर्स्ट नंबर पर क्लिक करना है एग्जामिनेशन फॉर UG पर। ठीक है, चलिए हम एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG कोर्सेज पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास फिर से 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से कोर्सेज सेमेस्टर स्टूडेंट्स टाइप रोल नंबर मांगेगा। ठीक है, तो आपको कोर्स पर क्लिक कर देना है, UG सेमेस्टर पर आपको 4, और रेगुलर पर आप रेगुलर हैं या एक्स रेगुलर हैं, यानी स्टूडेंट्स आप किस टाइप का हैं। अगर आप लोग पिछले बार प्रमोट हो गए हैं तो एक्स रेगुलर में क्लिक करेंगे, और अगर आप लोग प्रमोट नहीं हुए हैं तो रेगुलर में क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं रेगुलर में क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना जो लेफ्ट साइड में दिखेगा, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, पूरा पूरी भरा हुआ रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 650 रुपये कटने का बात किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ GST काट करके कुछ आगे और भी काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सी बात ये है, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म भरा हुआ मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर वगैरह आप लोगों को अगर क्लिक करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं क्लिक करना आता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको पिछले बार भरा हुआ ही ऑलरेडी मिला हुआ। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और भी बताना भूल गया कि यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म कैसा था नहीं था, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार का भी आपको इंटरफेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार नंबर आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन जो कि मैंने भर रखा है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन मैंने 12/2 इसको भर रखा है। आपका डेट ऑफ एडमिशन जो भी होगा यहाँ पे आप लोग भर लेंगे। आप लोग कैसे भरेंगे, आप लोगों को रसीद जो सेमेस्टर 3 में मिला होगा उसमें आपको डेट ऑफ एडमिशन दिया होगा, वो आपको डेट ऑफ एडमिशन डाल देना। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, आधार नंबर भी मैंने डाल दिया, उसके बाद और भी कुछ नहीं चेंजिंग करना, नाम वगैरह सब कुछ आपको भरा हुआ रहेगा, आधार नंबर डेट ऑफ एडमिशन ये सब आपको डालना। ठीक है, चलिए मैं आधार नंबर भी डाल लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने अपना आधार नंबर भी डाल लिया, डेट ऑफ एडमिशन भी डाल लिया, बाकी आपको कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, आपको नीचे भी आना है, और एक चीज़ और चेंजिंग करना, मात्र एक चीज़। ठीक है, वो कौन सा चीज़ है वो देखते हैं, यहाँ सेक सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका सेक सब्जेक्ट दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ,
देखिए ये जो आपको सेक सब्जेक्ट दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग सेक सब्जेक्ट क्लिक करेंगे अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड डिवर्सिटी ही रहेगा, ठीक है। तो आपको सेकंड नंबर पर क्या करना है, क्लिक कर देना। अगर आप दूसरा कुछ लेना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके लेफ्ट साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब उसका क्लिक करने पर यहाँ पर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग वेरीफाइड और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपना नाम, फादर्स, मदर, सबका सब कुछ आपका डिटेल्स आ जाएगा। अगर उसके बाद आपका अगर पिछले बार जो मैं आपको बता रहा था कि जो स्टूडेंट्स भर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर आप लोग फोटो और सिग्नेचर गलत मतलब अपलोड किए थे पिछले बार तो यहाँ से आप लोग चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है चोजन पिक्चर एंड चोजन सिग्नेचर। आप लोग सिग्नेचर और फोटो दोनों को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे कोई भी चीज़ों को अपलोड नहीं करना क्योंकि मैंने पिछले बार अपलोड किया था, मैं उसी को रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ भी यहाँ पे मतलब चेंजिंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना जो फोटो है मेरा वो मैं चेंजिंग कर लूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं नहीं चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपका मर्जी है, अगर आप अपना मर्जी से चेंजिंग करना चाहते तो कर सकते, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा था कि मैं चेंजिंग करूँ लेकिन मुझे फिर मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसके पहले वाला जो मेरा फोटो था वही बेस्ट, ठीक है। तो मैं वही रहना देना चाहता हूँ। अब उसके बाद आपको चलना है सिंपली से गो टू पे में। जैसे ही आप यहाँ पर गो टू पे में जाएंगे उसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि 650 रुपये दिखा रहा है। हम आप यहाँ पर कार्ड से या नेट बैंकिंग से या कैश कार्ड से किस चीज़ों से आप यहाँ पर पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली मैं नेट बैंकिंग का यूज़ करूँगा, तो नेट बैंकिंग पर यूज़ कर लिया। उसके बाद क्लिक कर दिया, उसके बाद कौन सा बैंक सेलेक्ट बैंक करना था, मैं चलो बैंक ऑफ इंडिया से मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद नीचे पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करेंगे 650 रुपया, 18 रुपया, 3 रुपये, ऐसा सब आपको जोड़ करके 671 रुपया कटने की बात यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। टोटल कितना कटेंगे आपका 671 रुपया, ठीक है। 671 रुपया कटना की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कम भी कट सकता है, बट मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा कम कैसे कटेगा। आप जो जिस बैंक से आप यहाँ पे मतलब पैसा कटवाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। आप लोग जिस बैंक से, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जो भी बैंक से आप लोग